Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Parasthi, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा आयोजित की गई 2019 में जो बीए बीएससी बीकॉम की जो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ये क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि कौन सा पाए यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कैसे होते हैं, ग्रामर कोर्स कैसे आते हैं, लेटर राइटिंग ट्रांसलेशन राइटिंग कैसे होते हैं, ये आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे क्योंकि आप लोगों का पेपर अभी अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी प्रॉपर वे से इस प्रकार से हो सकती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण और सबसे हाई डिमांडिंग जो वीडियो है, जिसमें स्टूडेंट्स ने यही डिमांड करी थी कि सर क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार से आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये जो है आपका एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि कौन से यूनिट और कौन से लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। ये बी ए सेकेंड ईयर का है जो कि एग्जामिनेशन 2019 में हुआ। जो भी अभी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि पहली बार वो रिटर्न में मतलब प्रॉपर जो ट्रेडिशनल एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी की उसमें देंगे ऑफलाइन। इसके पहले ओपन बुक से हुआ जिसके चलते उनको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो ये मैंने इसको इंटरनेट से इसको मैंने डाउनलोड किया है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए कि ऑनलाइन bu.com से मैंने इसको डाउनलोड किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वो स्टूडेंट्स के हित के लिए अपलोड करते हैं। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आपका 30 नंबर का रेगुलर स्टूडेंट है तो 30 मार्क्स का होगा, प्राइवेट है तो 35 का होगा। तो जैसे हम रेगुलर के बारे में बात करें तो 5 मार्क्स आपकी CCE कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवेलुएशन जो आपके इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, तो 5 नंबर का वो रहता है, 30 नंबर के ये पेपर रहता है। आइए देखते हैं कैसे रहता है ये। तो सबसे पहले सेक्शन ए यदि आप देखेंगे तो सेक्शन ए में जैसे मैंने एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि यू विल हैव फाइंड 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बट यू हैव टू अटेम्प्टेड 4 आउट ऑफ 6 एंड 1 मार्क्स फॉर ईच 1 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स, है ना। मैंने ये बताया था कि आपके सेक्शन ए में जो 6 लेसन है आपकी प्री टीना मोरिस के द्वारा, सेकेंड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसी नेजिकल के द्वारा, ईद गाय है प्रेमचंद के द्वारा जिसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया और मैं इसके पहले डाल चुका हूँ, ए लेटर टू गॉड जी एल सॉन्टे के द्वारा, ठीक है। और एक है आपका गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, ओके लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, और इसके बाद माई बैंक अकाउंट। तो 6 लेसन है, हर लेसन से एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे लेकिन आपको जो बेहतर 4 बनते हैं उनको करिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना है इसमें। व्हाई डज द पोएट वेट इन वैन, ये पोयम नंबर फर्स्ट का है द ट्री विच इज रिटन बाय टीना मोरिस के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है इधर दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। इसके ऑप्शन है पहला है फ्रूट्स इन मैन मेड ट्री, स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स इन मैन मेड ट्री, रियल वुड फ्रॉम मैन मेड ट्री। पोएट यहाँ क्यों कहना चाह रहे हैं कि सब व्यर्थ है क्योंकि आजकल वी नो दैट कि पीपल आर कंटिन्यूअसली कटिंग डाउन द नेचुरल ट्री एंड दे आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ट्री। आर्टिफिशियल ट्री हम बनाते हैं जो नेचुरल ट्री को काटते जा रहे हैं, मैं वीडियो बनाया हूँ उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्लो अनफर्डिंग ऑफ बर्ड्स। यदि हम आर्टिफिशियल ट्री बनाएंगे तो क्या उसमें पक्षियां आके चहचहाएंगी? नो, नहीं आएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? स्लो अनफर्डिंग ऑफ बर्ड्स, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हु ड्रॉप द स्कॉर्पियन इन साइड द हाउस, जो स्कॉर्पियन वाला है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच इज रिटन बाई निसी मेजिकल के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है स्कॉर्पियन जो है वो घर में कैसे छिप गया क्योंकि उस समय बहुत भारी बारिश हुई थी, नेबरहुड पीपल भी आए थे, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसी मेजिकल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेडी रैन, क्योंकि भारी बारिश होने से जो है वो बिच्छू जो है छिप गया था, ओके। बहुत ईजी रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है। और ये जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, ए लेटर टू गॉड वाज रिटन बाय, मैंने रिसेंटली इसके बारे में वीडियो डाला है उसको आप देख लीजिएगा कि ए लेटर टू गॉड को किसने लिखा है, जी एल स्वांटे। हो सकता है इस बार के एग्जाम में इसको पूछ दिया जाएगा कि हु हैज ट्रांसलेटेड ए लेटर टू गॉड इनटू इंग्लिश, तो आप लिखिएगा डोनाल्ड ए येट्स, लेकिन ए लेटर टू गॉड को ओरिजिनली किसने लिखा है, तो जी एल स्वांटे, ओके। तो ऑप्शन आपका जी एल स्वांटे, शायद इसका ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर हमको पता है। फिफ्थ जो है आपका एक क्वेश्चन और शायद कहीं वो हो गया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
इसमें है द सैलरी ऑफ द राइटर ऑफ माई बैंक अकाउंट हैज बीन रेज टू, कितने डॉलर का था? तो ये याद रखिएगा, ये था आपके 56 डॉलर का था। ओके, ये सबसे लास्ट लेसन का है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। एक नारेटर जो होता है पहली बार बैंक में जाता है, पहली बार खाता खुलाता है, 56 डॉलर्स रहता है, लेकिन उसको जब चेकबुक उसको मिल जाता है, तुरंत वो देखता है कि भाई चेकबुक से पैसे कैसे निकलते हैं। तो गलती से जितने उन्होंने ओपन किया था खाता, जैसे 56 रुपीज से बैंक अकाउंट ओपन किया, और उसी दिन वो चेक के माध्यम से पूरे 56 का निकालता है डॉलर को। तो बैंक वाले सब आश्चर्य हो जाते हैं, भाई 56 आज ही जमा किया और आज ही निकालता है, इसलिए उसके एक हंसी का पात्र ही बन जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑलरेडी आप लोग, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कॉलेजेस। ओके, और सिक्स जो क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी ईदगाह इनटू इंग्लिश। याद रखिए, याद रखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, गलती में क्या कहते हैं कि ईदगाह दादी माँ का चिमटा, अमीना हामिद के बारे में पढ़े हैं, तो ईदगाह को प्रेमचंद लिखा है, प्रेमचंद लिखा है, आई वी नो दैट, यू नो दैट, लेकिन ये क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए प्रॉपर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हु ट्रांसलेटेड, किसने अनुवाद किया है द स्टोरी ईदगाह को इंग्लिश में, तो किसने किया है? खुशवंत सिंह ने, और लिखा किसने था? प्रेमचंद ने। तो इस प्रकार से जो चार आपके क्वेश्चन बनेंगे वो चार करिएगा आउट ऑफ सिक्स में से, चार नंबर ये कंफर्म हुआ है यूनिट फर्स्ट से। अब सेक्शन बी में जाते हैं। सेक्शन बी में है अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, छह लेसन है, छह क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, जैसे मैं बताया था कि हर लेसन से तीन नंबर के बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला पोयम, तो इसमें तीन करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम ट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि पहला जो पोयम है ट्री उसका क्या मैसेज देना चाह रही है उसके माध्यम से टीना मोरी। सिंपल सी बात है कि ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव पोयम विच इज रिटन बाई टीना मोरीज। ओके, एंड वी कैन नॉट लिव एज वेल एज वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो विदाउट ट्री, हम ट्री के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, जी भी नहीं सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमारे लिए जीवनदायिनी होते हैं। कैसे? कि ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन इन रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई वी शुड हमको क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए मोर एंड मोर। ओके, तो ये इसका मैसेज मिलता है। ये बनेगा तो कर लीजिए, नहीं बनेगा तो दूसरा, तीन क्वेश्चन आपको करने हैं छह में से। ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज द मदर्स रिएक्शन टू द स्कॉर्पियंस बाइट, मदर का क्या रिएक्शन था जब उसको बिच्छू ने काटा? भाई बिच्छू तो किसी को काटेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, आप अनकॉन्शियस होंगे ना, तो आंसर सिंपल सी है। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन हामिद गेव द टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर, जब हामिद ने, दादी माँ का चिमटा वाला है हामिद जो है, मेले से लौट करके आता है और चिमटा को दादी माँ को देता है, तो क्या होती है? आंसर यहीं से रखिएगा, व्हेन हामिद गेव द पेयर ऑफ टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर, तो सबसे पहले वो स्कोल्ड करती है, डांटती फटकाती है, क्यों? क्योंकि वह धूप वाला था, दिन भर से वो भूखा था, ना खाना खाया ना स्वीट्स खाया, और दूसरे बच्चों जैसे टॉयज भी नहीं लिया, और वो चिमटा ली इसलिए, लेकिन दूसरे ही पल उसको वो गले से लगा लेती है, रोती है उनके लिए कि कितना, इतने छोटे बच्चा होने के बावजूद इतने समझदार है करके। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं यूट्यूब में डाल दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, बहुत ही ईजी है, इसके बारे में वीडियो में डाला हूँ मैं। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? जस्ट इमेजिन, कैन यू राइट अ लेटर टू गॉड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ गॉड। लेकिन लेंचो जो एक किसान होता है, उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है, तो जीने के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। ठीक है, वो सोचता है कि मैं, मेरा पूरा परिवार जो है भूख के मारे मर जाएगा, तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं ईश्वर से मदद करूँ, 100 पैसे मांगू, इसलिए वो लिखता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखेगा, लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ओके, बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोर्म, ओलावृष्टि से पूरा फसल नष्ट हो गया सर, दैट्स वाई ही रॉट अ लेटर टू गॉड एंड ही हैज डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। ओके, ये आप याद रखिएगा। व्हाट वेयर द चार्जेस अक्सिनो वाज एक्यूज्ड ऑफ, अक्सिनो एक व्यापारी होता है, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है, जब ये व्यापार करने के लिए जाता है तो इसको मर्डर के उसमें मतलब एक तरह से दोषी ठहरा दिया जाता है, इसके बारे में है, तो ये आप देख लीजिएगा। छठवां है व्हाट मिस्टेक्स डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रॉट हिज चेक,
अभी अभी बताया था मैंने, क्योंकि जितने 56 डॉलर्स का अकाउंट ओपन करता है और उसी दिन चेक जब मिलता है, चेकबुक भी कहते हैं, चेकबुक से पैसा कैसे निकलता है, फिर उतने के टोटल जितना जमा किया उतने के वो क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉ करने के लिए लिखता है, तो इसलिए वो मिस्टेक किया ये बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन मेरे को बन गया, आपको भी बन जाएगा, लेकिन जो बेस्ट तीन बनेंगे वही करना है, पूरे करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट तीन करोगे वही मिलेगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तीन क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, छह में से छह नंबर हुआ ये, और चार नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव यूनिट फर्स्ट से है ये, 10 नंबर कंप्लीट जैसे मैं आपको बताया था। ओके, सेक्शन सी ग्रामर कोर्स हो गया आपका, इसको आप आसानी से, मैं इसमें बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा, फिर भी आप थोड़ा सा देख लें। गिव एंटोनिम्स, जो विलोम वाला होता है वो है, तो एंटोनिम्स आपको देना है आप द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं पार्टिकुलर, क्रिएट, ऐसे, तो इनके जो आपको अपोजिट लिखना है, जैसे क्रिएट है, अभी एक शब्द बनाया था ना, क्रिएट निर्माण करना, तो क्या करना उसको डिस्ट्रॉय कर देना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट टू बिल्ड कैसल इन द एयर, तो इस प्रकार से आपके जो आइडियम्स हैं, जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उनसे कैसे शब्द बनाया जाता है वो आपको करना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से बन जाएगा, मैं ग्रामर कोर्स के लिए अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। ये दो दो चार नंबर के हुए, फिर चार नंबर आठ नंबर का आता है ग्रामर कोर्स, जो सेक्शन बी है। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड, डू मतलब करो, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड मतलब आपको निर्देश दिया गया है, आपको जो कहा गया है वही करना है, सिर्फ चार को करना है, पांच छह होंगे इसमें डेफिनेटली। जैसे पहला क्वेश्चन है, सी स्पोक टू, उन्होंने वह बोली, डैश डैश डैश, क्या हमको निर्देश दिया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट स्वयं के उसमें वो किया जाता है, वो प्रोनाउन आपको भरना है, तो क्या हो जाएगा इसका, सी स्पोक्स टू हर सेल्फ, वह अपने आप से बोली, अपने आप से बात की, तो यहां आ जाएगा हर सेल्फ, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ब्रेकेट में है लर्न रूसियन फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स, वह पिछले तीन साल से रशियन सीख रही हैं, बट शी स्टिल ब्रेकेट में है नॉट लर्न इट वेल, इसमें ग्रामर कोर्स को बोर्ड में आपको बताऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी समझ लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसको रीराइट करने, जब भी ध्यान रखिए, जब भी रीराइट कहेगा तो दोबारा उसको ज्यो का त्यों लिखना है। मान लीजिए कि आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर आंसर नंबर वन करके आप हर सेल्फ लिखेंगे, पूरे नंबर आ जाएगा, लेकिन जब रीराइट कहेगा तो इसको दोबारा पूरा लिखना है आंसर। कैसे लिखेंगे, रीराइट द सेंटेंस है ये, थोड़ा सा इसमें गलतियां हो गई हैं, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है इसको, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, दो बन सकते हैं, फ्रॉम विच इवर इज अप्रोप्रिएट, जो भी मतलब कहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का लगेगा, वो आप देख के बनाएंगे। जैसे देखिए ये बनेगा, सी ब्रेकेट में है लर्न रशियन फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स, मैं इसको बोर्ड में बताऊँ लेकिन समझा देता हूँ आपको, जब सन भी दिया है, ईयर भी दिया है, ओके, सिंस फाल लगा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस टेंस का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो किसका है हमको बनाना है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इट मींस दैट सी हैज बीन लर्निंग, क्या हो जाएगी, सी हैज बीन लर्निंग रशियन फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स, बट सी स्टिल, अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, सी स्टिल हैज नॉट लर्नड इट वेल, Your answer is correct. Very simple. Okay. Third है आपका, आपको चार करने हैं, लेकिन जितने बने उतना करने हैं आपको। France is dash 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 European country. Okay. Article के बारे में पूरा वीडियो डाला है, उसको देख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। France is European. Pronunciation इसका consonant से बोला है European. Okay. That's why you have to use here A. France is a European country. तीन नंबर हो गया मेरा। और चौथे यदि हम करें, ही रिसेम्बल्स टू हिज ब्रदर, वह अपने भाई के जैसे दिखता है, तो टू हिज ब्रदर्स नहीं बोलेंगे, करेक्ट द सेंटेंस, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट करेंगे, ही रिसेम्बल्स हिज ब्रदर, बस टू को हटा दीजिए, आपका आंसर सही हो गया, वह अपने भाई के जैसे दिखता है। चार हो गया, लेकिन यदि आपको चार जो बनते हैं वही करना है, यदि किसी के चार चौथे ये नहीं बना तो इसको कर दीजिए। रमेश वाज एक्यूज डिस 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 मर्डर, रमेश जो है किस पर, किसके लिए अपराधी साबित हुआ, तो अर्थ नहीं लिखने आपको, इंसर्ट सुटेबल प्रीपोजिशन करना है, रमेश वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, जैसे ये पांच हो गया तो आपको चार करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए, बहुत आसान है,
ये और जो करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इस बार दो बार आए, दो आए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। इसमें ग्रामर कोर्स के बारे में मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक ग्रामर के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप रट करके जाएंगे ग्रामर कोर्स तो वो आपके कोई काम का नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रामर कोर्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 नंबर का आएगा, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे आपने 12th में, 11th क्लास में रहे होंगे स्कूल डेज में, तो लिखे रहे होंगे ना, यू वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। इसी तरह कॉलेज में भी रहेगा, करप्शन इन इंडिया, देश में करप्शन जो चल रही है ना उसके बारे में लिखे। ये नहीं बनेगा तो यूज एंड अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉपर यूज करेंगे। जैसे सोशल मीडिया है हमारा अभी, यूट्यूब चैनल क्या है, सोशल मीडिया है, यदि हम प्रॉपर यूज, अच्छा यूज करेंगे अच्छे के लिए, तो आप इसका यूज भी लिख दीजिए, मिस यूज करेंगे तो वो मिस यूज में चला जाएगा। ओके, थ्रेट्स फॉर एनवायरमेंट, तो किसी एक पे लिखना है। यदि ये नहीं बनेगा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप उसके अथवा में 6 नंबर के ही आएगा, लेटर राइटिंग, बहुत ही इजी आया था 2019 में, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। वेरी सिंपल इनफॉर्मल लेटर है ये, कि इसमें कह सकते हो, मेन कंटेंट बता देता हूँ कि आई सा योर रिजल्ट, यू यू गॉट 99% इन MPPSC एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन दिस ग्रैंड सक्सेस एंड आई प्रे टू गॉड मे यू कंटिन्यू सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसे करके बना सकते हैं, वेरी सिंपल, रटना नहीं है इसको, बस समझना है ना। 6 नंबर के हुआ, और जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ट्रांसलेशन क्या रहेगा, इसके बाद एक और है, छह छह क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या रहेगा, यदि इंग्लिश में पैसेज है तो उसको हिंदी में लिखिएगा, और हिंदी में आएगा तो उसको इंग्लिश में बनाइए। जैसे इंग्लिश क्या है तो हिंदी में आएगा, जैसे आप वो कैसे बना सकते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन रिलीजियंस एंड मोरल वैल्यूज। भारतीय जो संस्कृति सभ्यता है वो हमेशा से क्या रही है, किस पर आधारित रही है, धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित रही। इस प्रकार से ऐसे हिंदी में पूरा बना सकते हैं। और एक इसके बाद एक क्वेश्चन कहीं हो गया हो, मिस हो गया है, एक आएगा आपका ड्राफ्टिंग CV। ओके, जो कैरिकुलम वेटी है वो 101% 6 नंबर के आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा और उसके लिए प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यदि हम इसको देखें तो बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके जो भी डाउट्स होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्लियर आपको पता चल गए होंगे, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये एक तरह से रिवीजन है आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सजेस्ट भी कीजिए, और इस तरह से आपकी ये जो आज का ये वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। आई एम प्रीटी श्योर दैट इससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, और यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बेस्ट।